हेलो स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी डैट ए बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय ए फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डे ऑफ यूज़ इज़ 0.05। ये प्रोबेबिलिटी है बल्ब के फ्यूज़ होने की। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स, और क्या प्रोबेबिलिटी, नन इज़ फ्यूज, नॉट मोर देन वन और मोर देन वन एट लीस्ट वन। तो इसने प्रोबेबिलिटी जो है फ्यूज़ बल्ब के बारे में कैलकुलेट करी है। तो यहाँ फ्यूज़ को हम जो है सक्सेस बना लेंगे। तो पी की वैल्यू यहाँ पे 0.05 बनेगी, और क्यू की वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस पी कर दीजिए, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब एन की वैल्यू कितनी है, क्योंकि 5 बल्ब लेने हैं तो एन की वैल्यू 5। नाउ बाय द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर, यहाँ पे पी कर लीजिए, पी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर, एन सी आर क्यू एन माइनस आर पी आर। एन की वैल्यू मालूम है, पी की वैल्यू मालूम है, क्यू की वैल्यू मालूम है, आर की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कितनी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नन, नन का मतलब है आर की वैल्यू 0। फर्स्ट केस हो जाएगा, नॉट मोर देन वन, एक से ज़्यादा नहीं, एक से ज़्यादा नहीं, मतलब कि अगर एक से ज़्यादा नहीं लेनी तो 0 और 1 इनकी वैल्यू निकाल के आप प्लस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू 1 है, यहाँ पी कर दीजिए, नॉट मोर देन 1 है, तो यहाँ पे 0 और 1 की वैल्यू निकाल के प्लस कर दीजिए। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, थर्ड केस में कह रहा है मोर देन 1, मोर देन 1, 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, मोर देन 1 शुरू हो जाइए, 1, 2, 3, 4, 5। मेरे ख्याल में मोर देन 1, नॉट मोर देन 1 हो गया, एट लीस्ट 1 है, मोर देन 1 नहीं, एट लीस्ट 1। अच्छा नहीं, चलिए ये फोर्थ केस है एट लीस्ट 1 का। और यहाँ पे उसने थर्ड केस में क्या बोला, मोर देन 1, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, मोर देन 1 इसको कैसे करना है, 2, 3, 4, 5 इनकी वैल्यू निकाल के प्लस कर दीजिए, मोर देन 1 का केस सोल्व हो जाएगा। 2, 3, 4, 5 का केस निकाल के प्लस कर दीजिए। इसके बाद है, ए बैग कंसिस्ट ऑफ 10 बल्ब ईच मार्क्ड विद वन ऑफ द डिजिट 0 to 9, 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नन इज मार्क्ड विद द डिजिट 0। देखिए 0 से लेके 9 तक के मार्क्स दिए हुए हैं, और एक जो है 0 से लेके 9 तक दिए हुए हैं, एक डिजिट की बॉल हमने निकालनी है, और क्वेश्चन जो है विद रिप्लेसमेंट का है। तो यहाँ पे सक्सेस प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस क्या आएगी, लेकिन उसने क्या बोला है, नन इज़ मार्क्ड विद द डिजिट 0, यहाँ पे 0 के बारे में बात हो रही है, और 0 की बॉल कितनी होंगी, बीच में 1 होगी, और टोटल बॉल कितनी है, 10। तो प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस हमने कितनी बना ली, 1/10। ये 0 को हमने जो है माइंड में रख के सक्सेस मान के हमने ये प्रोबेबिलिटी निकाली है। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस पी, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हम फार्मूला राइट डाउन कर लेंगे, और आर की वैल्यू जो है कितनी लगेगी, नन है तो आर की वैल्यू यहाँ पे 0 लगेगी, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ये सिंप्लीफिकेशन के बाद। ये देखिए कैलकुलेशन करी हुई है, इन एन एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चन ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप आर आस्क्ड, सपोज ए स्टूडेंट टॉस ए फेयर कॉइन टू डिटरमाइन हीज आंसर टू ईच क्वेश्चन, इफ द कॉइन फॉल्स हेड द ही आंसर ट्रू, इफ इट फॉल्स टेल द आंसर इज फॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट ही आंसर एट लीस्ट 20 क्वेश्चन करेक्टली। देखिए ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, दो आंसर हैं, एक गलत है और एक ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आंसर ठीक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2, और फेलियर कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी। और कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और एन की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हमने फार्मूला राइट डाउन कर लिया, फार्मूला राइट डाउन करने के बाद हमने कितने ही आंसर एट लीस्ट 20 क्वेश्चन करेक्ट, एट लीस्ट आ गया है, तो सॉरी एट लीस्ट 12 क्वेश्चन आर करेक्टली, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इन सबको कैलकुलेट करके प्लस कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, आर की वैल्यू चेंज करते जाइए, आपका आंसर आता चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सपोज एक्स एज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी
सिक्स वन बाई टू सपोज एक्स इज इक्वल टू थ्री इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने करा नहीं है तो इसलिए मैंने ये कर दिया है क्वेश्चन। देखिए बी एन पी, इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं बी एन पी। जो पहली वैल्यू होती है वो एन को रिप्रेजेंट करता है, जो लास्ट जो है सेकेंड वैल्यू होती है वो पी को रिप्रेजेंट करती है। अगर पी की वैल्यू वन बाई टू है तो क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, वन माइनस पी करके वन बाई टू हो जाएगा। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूला हमने यहाँ पे पुट कर दिया, एन और बाय पी और क्यू की वैल्यू लगा के ये मेरे पास वैल्यू आ गई। हमने शो करना है एक्स इज इक्वल टू थ्री इज द मोस्ट लाइकली आउटकम, मतलब कि इस प्रोबेबिलिटी में इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। चेक कर लेते हैं, तो एक बार फिर इसमें आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगा लीजिए और चेक करके देखिएगा सबसे बड़ी वैल्यू जो है एक्स इज इक्वल टू 3 पे आएगी। यही हमने यहाँ पे शो करके दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 3 पॉसिबल आंसर। देखिए वैसे तो एमसीक्यू जितने भी होते हैं उनके फोर आंसर दिए होते हैं और एक आंसर ठीक होता है और 3 गलत होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें एमसीक्यू दिया हुआ है उसमें 3 करेक्ट तीन 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 आंसर दिए हुए हैं, एक करेक्ट है और 2 रॉन्ग है। तो एक क्वेश्चन ठीक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस पी कर दीजिए, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। और कितने क्वेश्चन दिए हुए हमें, फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ए कैंडिडेट वुड गेट 4 आर मोर करेक्ट आंसर। तो एन की वैल्यू 5 है और हमें 4 आर मोर करेक्ट आंसर चाहिए। तो कोई नहीं, हमने यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगा लेते हैं और हमें 4 आर मोर देन 4, तो एक्स की वैल्यू 4 और 5 पे चलेगी क्योंकि मैक्सिमम 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो 5 तक ही जाएंगे हम। अगर 6 दिए होते तो एक स्टेप और जुड़ जाता एक्स इज इक्वल टू 6 के लिए और इनकी वैल्यू कैलकुलेट करके हम आपस में प्लस कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन बायज ए लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज इन ईच विच हैज़ ए चांस ऑफ विनिंग ए प्राइज इज 100 1/100, वट इज़ अ प्रोबिलिटी ही विल इन ए प्राइज ऑफ एटलीस्ट वंस। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए कितनी टिकट हैं, 50 हैं तो एन की वैल्यू 50 होगी और प्राइज विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/100 पी, ए पी की वैल्यू होगी। क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 माइनस पी करके, कितना हो जाएगा 99/100। एटलीस्ट वंस, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट ही विल इन ए प्राइज एटलीस्ट वंस, कम से कम एक प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन बड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप ऐसे करिए एटलीस्ट 1 है तो आप 0 की वैल्यू निकाल के 1 में से माइनस कर दीजिए, एटलीस्ट 1 आ जाएगा। एटलीस्ट एग्जैक्टली 1, आर की वैल्यू 1 लगा दीजिए, एटलीस्ट ट्वाइस 0 1, इन दो को प्लस करके 1 में से माइनस कर दीजिए, एटलीस्ट ट्वाइस की वैल्यू आ जाएगी।